hello dear students i am shivani sahu today we are going to start second chapter okay this is the cover page of the book these are contents and this is second chapter chapter name is evolution of computer so now first concept comes on mind what is computer कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस एंड गिव्स द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग मींस हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट आउटपुट देता है ठीक है लेट सी एग्जाम्पल वी गिव इनपुट टू फोर प्लस ओके देन देन कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करेगा ठीक है टू प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स देन हमको रिज़ल्ट दिया रिज़ल्ट क्या मिला हमें सिक्स ठीक है सो ऐसे कंप्यूटर वर्क करता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग in the ancient times people used to count with the help of stones pebbles bone sticks figure, fingers toes etc and store the information by making marks on the wall pillar rocks etc in course time it become difficult to do bigger and complex calculation um, calculation with such objects so people started thinking of some kind of device which could make their task र सो दर्स्ट कैल्कुलेटिंग डिवाइस abacus, abacus वॉज इन्वेंटेड uh, about फाइव हंड्रेड years ago. Uh, abacus कहाँ कहाँ इन्वेंटेड हुआ था चाइना में ठीक है uh, इसमें एक वुडन फ्रेम होता है ठीक है जिसमें वायर्स और वायर्स uh, और बीड्स लगे होते हैं ठीक है थीके? इसमें आ, एबेकस में हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं आ, एडिशन और सब्टशन कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट डिवाइस है नेपियर्स बोन्स ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है ठीक है इसमें भी क्या होते हैं रॉड्स और बोन्स होते हैं इसको किसने इन्वेंट किया था सर जॉन नेपियर ने सिक्सटीन सिक्सटीन में ठीक है इसमें हम क्या क्या कर कैलकुलेट कर सकते हैं सब एडिशन कर सकते हैं सब ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविज़न नेक्स्ट डिवाइस है पास्कलिन पास्कलिन किसने बनाया था ब्लेस पास्कलिन ने कब किया था सिक्सटीन फोर्टी टू में ये कैसा होता है इसमें व्हील्स लगे होते हैं ठीक है देन इसमें हम नंबर डायल करना पड़ता है जैसे पुराने टेलीफोन्स में होता था डायल करना पड़ता था नंबर वैसे इसमें डायल करना पड़ता है ठीक है इसमें भी हम आ, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिविजन ये सब कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल इंजन है एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था चार्ल्स बेबज चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कौन है फादर ऑफ़ कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबज हैं ठीक है थीके? देन एनालिटिकल uh, जो इंजन है उसकी वो बहुत सारे डेटा है ना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबलेटिंग मशीन टेबलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलियर ठीक है इन एटीन एटी नाइन ओके नेक्स्ट हमारा है ऑफ बेरी कंप्यूटर इन शॉर्ट ए बी सी इट वॉज द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देन दैन एनियनिएक एंड यूनिवैक फुल फॉर्म ऑफ इनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ओके then this is first generation computer okay it was developed by john moshley and j presper eckert in 1945 next generations of computer uh, there are five generations okay द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कैन भी डिवाइडेड इन टू वेरियस जनरेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज इन दैम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स इंप्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ कंप्यूटर्स ओके अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर में कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुआ है ठीक है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है सो लेट्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नाइनटीन फोटी टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ठीक है इस कंप्यूटर में क्या हुआ वैक्यूम ट्यूब ठीक है वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज यूज़ हुए आ, आ, ये बहुत ये जो कंप्यूटर थे बहुत एक्सपेंसिव और बहुत लार्ज थे ठीक है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे ठीक है देन इसका एग्जाम्पल इनएक एंड यूनिवेक नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1963 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ वैक्यूम ट्यूब के रिप्लेस करके हम क्या यूज़ किए ट्रांजिस्टर ठीक है क्या यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर साइज़ में बहुत छोटा था ठीक है देन ये आ, इसके जो प्रोग्रामिंग मतलब ये जो यूज़ करने में भी क्या था ईज़ी था देन इसका एग्ज़ाम्पल आई बी एम सेवन जीरो फोर आई बी एम फोरटीन हंड्रेड वन एट्सेट्रा देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नाइनटीन सिक्सटी फोर टू नाइनटीन सेवनटी वन इस जनरेशन में क्या चेंज क्या चेंज हुआ ठीक है ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या यूज़ किए इंटीग्रेटेड सर्किट इसका एग्जाम्पल है आई बी थ्री सिक्सटी ठीक है इसकी इसमें क्या ये ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकता है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर 1971 सेवेंटी वन टू टिल नाउ ठीक है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्ले, रिप्लेस करके क्या यू माइक्रो माइक्रोप्रोसेसर ठीक है, है? जो बहुत स्मॉल इसकी मेमोरी भी लार्ज थी और ये फास्ट fast, फास्टर था ठीक है देन Uh, इसका एग्ज़ाम्पल है पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन पर्सनल कंप्यूटर में क्या आएगा डेस्कटॉप पाम टॉप लैपटॉप एट्सट्रा देन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन ये इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ठीक है इसका एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स इसमें कंप्यूटर ह्यूमन बींग लाइक सोच सकता है और उस आ, और डिसाइड कर सकता है ठीक है सो चैप्टर फिनिश्ड नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक वर्क फर्स्ट द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट ठीक है कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से मिलके बना है ठीक है सो इसका ग्रीक वर्ड क्या है कंप्यूट है ना so answer is compute second who is called the father of computer Charles Babbage correct answer is Charles Babbage hmm. correct answer I will tick with green color okay first compute then second Charles Charles Babbage third who invented a calculating machine called Pascaline? So, answer is Bless Pascal. Okay. Then, second, tick right for the true statement and cross for the false statement. First, Charles Babbage invented ENIAC and UNIVAC. Wrong. Second, first generation computer used vacuum tubes. Correct. Right third second generation computers use transistor right fourth abc was the first digital electronic computer right now third exercise filling the blanks first pascaline is made up of gears that are used for adding numbers very quickly okay first gears second Fourth generation computers use, use blank in place of integrated circuit. So, second answer is microprocessor. Okay, microprocessor. Third, transistors were replaced by ICs in third generation of computer integrated circuit. In short, ICs. Fourth, Charles Babbage is called the father of computer so finished the chapter thank you